दीपक कुमार। दीपक जी, जो गर्मी पड़ रही है उसको किस तरह से क्या? अभी हम जैसे कि मतलब ड्यूटी से आ रहे हैं, तो ड्यूटी से आए हैं तब मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अभी आकर हमने जस्ट मतलब जोश किया है, तो मतलब कोई भी जैसे कि बाहर से निकलता है, मतलब कि घर से कोई बाहर निकलता है तो अपने सेहत का ख्याल रखें, मतलब कोई भी मतलब जैसे कि कोई गमछा वगैरह रख ले ताकि उसे वो धूप वगैरह ना लगे उसे। आप गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? गर्मी से बचने के लिए हम जैसे कि मतलब जूस पी रहे हैं और जो क्या कहते हैं लिक्विड वगैरह पी रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। मैं मनोज कुमार, IMT मानेसर में रहता हूँ, नारपुर गांव में। गर्मी हो रही है, गर्मी से बचने के लिए आप क्या कुछ उपाय कर रहे हैं सर? गर्मी से बचने के लिए क्या, अपना हेलमेट यूज़ करते हैं, कैप यूज़ करते हैं, कम से कम बाहर निकलते हैं, घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, खाली अपनी जॉब जो है अपने 8 घंटा जॉब करते हैं। आगे जो गर्मी आने वाली है, तब से गर्मी आने वाली है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या बचाव करेंगे, बस बचाव ही उपाय है और क्या करना है। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर गर्मी की शुरुआत हो गई है। इससे पहले तो लगातार बारिश की वजह से टेम्परेचर 40 से भी उससे भी नीचे रहा, लेकिन देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में ये आसपास के क्षेत्रों में 42 से 45 के बीच में टेम्परेचर, और आने वाले दिनों में संभवतः ये बढ़ेगा। और आप सभी को मालूम है कि एक मोक्चा नाम का जो साइक्लोन और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी की भी चांसेस ज़्यादा हैं, और नॉर्थ इंडिया में अगर गर्मी के साथ सन के साथ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक ये होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक बार सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आप अपने सभी कार्य या घर से बाहर जाने के जो काम है वो 12 बजे से पहले निपटा लें, क्योंकि गर्मी का सर्वाधिक समय दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में होता है। ऐसे में यदि फिर भी आपको जाना है तो आपने पूरा जिसको कहना चाहिए पूरी बाजू के कपड़े पहने, ऐसे ढीले वस्त्र पहने ताकि आपको ज़्यादा ह्यूमिडिटी या उसकी वजह गर्मी की वजह से आप में डिहाइड्रेशन ना हो, और लगातार पानी का सेवन करते रहें। यदि उसके बाद भी आपको कोई ऐसा साइन या सिम्टम आता है तो सिर्फ आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। यदि उससे आपका बुखार या थकावट दूर नहीं होती है तो फिजिशियन से संपर्क करें। आप एक कोशिश ये करें कि भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन एडिक्वेट फूड्स, खास करके फ्रूट्स जो रसेदार फल हैं उनका सेवन करें, लेकिन कटे हुए या ज़्यादा देर रखा हुआ कोई भी फ्रूट या खाना जो है पुराना या बासी उसका भोजन का सेवन ना करें। और यदि आप मजदूर तबके से या ऐसी किसी लेबर का कोई काम करते हैं, मेहनत का कोई काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि आप भी दोपहर में कम से कम 1 या 2 घंटा काम ना करें, और काम करते वक्त भरपूर मात्रा में अपना पानी पीते रहें, और जहाँ काम करें वहाँ जितना संभव हो सके छायादार एरिया में काम करने की कोशिश करें। छाया के साथ साथ अगर हवादार हो तो आपको डिहाइड्रेशन और सनस्ट्रोक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इस बारे में हमने अपने सभी PHC, UPHC और सब डिविजनल हॉस्पिटल के साथ साथ सिविल हॉस्पिटल में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यदि कोई केस आता है सनस्ट्रोक का या हेड स्ट्रोक का तो हमें रिपोर्ट करें। इसके अलावा इसके मद्देनज़र हमने ORS काउंटर्स जो है ना केवल हॉस्पिटल्स में बनाए हैं, बल्कि हमने बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि ऐसे मौसम में बच्चों को डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको ORS के साथ साथ जिंक का घोल दवा है, ये दोनों घोल जो है हमने पिलाने के लिए आशा वर्कर तक ट्रेनिंग दे दी है, ताकि बच्चों को भी डिहाइड्रेशन या गर्मी से मुकाबला किया जा सके।